खिचड़ी ज्यादा लग रही है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है सरस्वती पूजा, तो आई विश एवरी वन हैप्पी सरस्वती पूजा। सो आज के दिन मैं प्रे करती हूँ कि सबकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सरस्वती माता सबको ब्लेस करे, जिनकी नॉलेज कम है उनकी और बढ़ जाए, जिनकी प्रो है वो और भी एक्स्ट्रा प्रो हो जाए, एंड या सब प्रॉस्पर करे, सब ग्रो करे, जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करे, जिनके एग्जाम्स है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। एंड सरस्वती माता को प्रे करूंगी कि सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो, इन पर्सन इन प्रोफेशन एवरीवेयर यू ग्रो, दैट्स व्हाट आई विश फॉर एवरीवन। सो या आज मैं अकेले सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है, वो राजस्थान गई है वेडिंग अटेंड करने के लिए, एंड मेरी भाभी जो है वो कोलकाता गई है अपनी मम्मी के यहाँ पे, सो मैं अकेले रह गई। सो राइट नाउ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। मैंने जो सेटअप है वो कर दिया है भगवान का, फ्लावर्स, मिठाई और फ्रूट्स जो होते हैं, हम लोग 5 तरह के फ्रूट्स यूज करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, मोस्टली नारियल होना चाहिए हमारे यहाँ पे, एंड यहाँ पे बोलते हैं कि बेर भी होना चाहिए, बट बेर मैं बोलना भूल गई भैया को लाने के लिए, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। पीली मिठाई भी है, बाकी और भी वाइट मिठाई। साइड बाय साइड मैं बना रही हूँ मीठे चावल, भगवान को लगाते हैं, मेरी मम्मी ने बोला, आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने कभी भी नहीं बनाया, सो लेट्स होप कि अच्छे से बन जाए। सरस्वती पूजा में मैं नई ड्रेस पहनूं, एक्चुअली पहनते हैं, एंड मेरे को येलो कलर की कुर्ती पहननी थी, सो आई एम वेयरिंग दिस टुडे। सी सो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आरती की थाली की। सो या ये दीपक है, एंड अभी मैं धीरे धीरे सब प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक प्लेट ली है मैंने, उसमें रोली चावल, येलो कलर का जो चंदन होता है वो भी है, चावल भी है। मैं जब दीदी के साथ पहले रहती थी, मेरी दीदी हमेशा मुझे करके दे देती थी, एक गीत होता था सरस्वती माता का, वो बोलती थी, मेरे को बहुत याद आता है वो सब, जब भी मतलब लाइक ऐसे सरस्वती पूजा आता है। हे माँ शारदे क्या वीणा बजा रही है, किस मंज गान पे तू हमको लुभा रही है, ऐसा कुछ है, मेरे को ठीक से आता नहीं है, बट आई विल ट्राई। आज दीपक रेडी है, ये मेरा सेटअप है। सेटअप कंप्लीट हो चुका है, प्रिपरेशन भी रेडी है, बस चावल थोड़े से बाकी है होने को, वो करूंगी, उसके बाद मैं आरती करके पूजा करूंगी। सो अभी जस्ट मेरे पापा आए हैं, न्यू बुक्स वगैरह जो है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वो सब बुक्स ला के दिए हैं मुझे, ये और एक न्यू पेन। मतलब हम लोग में ऐसे होता है कि सरस्वती पूजा या गणेश पूजा में नए बुक्स या नए खाते जो होते हैं उसमें न्यू पेन यूज़ करते हैं, एंड ऊपर में साखियाँ करते हैं, ऐसे वो जो बनाते हैं वो बना के उसकी पूजा करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान इसमें अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिले हमको, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा हो, शुभ हो, यही सब चीज़ के लिए करते हैं। सो यार जब मैं पूजा करूँगी तब मैं इसको पूजा भी इसकी भी पूजा करूँगी, एंड मैं प्रे करूँगी मेरे पापा का, मेरा, हम सबका एक अच्छा फिनेंशियली और मेंटली और एकेडमिकली सबका अच्छा हो, एंड मैं आप सबके लिए भी प्रे करूँगी। सो या आफ्टर अ लॉट ऑफ मेहनत मेरे शायद चावल पक गए हैं। मैंने कभी पहले ऐसे मीठे चावल नहीं बनाए अपने लाइफ में, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, लेट्स होप कि ये टेस्ट में भी अच्छे लगे। बन तो गए हैं, पक गए हैं, एंड मैं चाहती थी एक्चुअली ये बनाना, एंड मेरी मम्मी ने भी कॉल किया था तो बोला कि हाँ बना ले, ऐसे ऐसे करके ईजी वाला रेसिपी जो है वैसे बनाने को, मैं बना तो दी, अभी देखते हैं कैसे बनाए, भगवान बस पसंद कर ले और कुछ नहीं चाहिए, हम तो एडजस्ट कर ही लेंगे। सो ये रहे मेरे चावल,
थोड़े से और गीले हैं, इसको सूखने दे, मतलब इसका पानी जो भी है वो थोड़ा सूखने देती हूँ। इसमें अभी मैं थोड़ा घी डालूंगी ऊपर से। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम बनाने के बाद मेरे को आइडिया एक्चुअली मिल गई है कि मैं कैसे बनाना है, मैंने क्या भूल किया, मेरे को नेक्स्ट टाइम क्या करने का है जिससे ये खराब ना बने, ये मुझे पता चल गया। सो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, आई विल मेक द बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मेरे को अभी पता चल गया मेरे को ऐसे बेस्ट वाले चावल कैसे बनाने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मीठे चावल कम और मीठी खिचड़ी ज्यादा लग रही है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बनाया, मेरे को एक्चुअली देख लेना चाहिए था यूट्यूब में, बट स्टिल जो भी बना है मैंने बनाया। तो यार सब कुछ रेडी हो गया है। ये बुक है, ये हम लोग बहुत साल से इस बुक में सब कुछ है वो पढ़ते हैं मंत्र। मिठाई रेडी है, ये रहे मेरे मीठे चावल, ये मीठी खिचड़ी सोच लो, फ्लावर्स है, भगवान, एवरीथिंग इज सेट। अब मैं पूजा करूंगी। पंचम जगती ख्याता षष्ठ बागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोता अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्ध माता च दशम वरदायिनी एकादशेश्वरी द्वादशितानि नमानि त्रिसंध्याय पठेन। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, सद्गुण देव विशालिनी। सरस्वती माता की माँ, सबको बुद्धि दो, विद्या दो, जो भी काम कर रहे हैं सब उनको सफलता दो, सब नए चीज में जो भी जा रहे हैं उनको बहुत सारा प्यार दो माँ, बहुत सारा आशीर्वाद दो, बच्चों को बहुत उन्नति करे, घर में सबको प्रगति मिले माँ। ये छोटी सी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैंने पुष्पांजलि भी दे दी है, आरती भी कर ली है, प्रसाद भी लगा दिया है, सब कुछ कर लिया है। सो या भगवान सबका अच्छा करना। जय सरस्वती माता की। ऐसे अकेले पूजा मैंने पहली बार किया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके, ऐसे व्लॉग करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आप सबको ये दिखा पा रही हूँ कि मैं अकेले कैसे पूजा कर रही हूँ। मेरे को नहीं पता प्रोसेस क्या था क्या नहीं, बट जैसे मुझे आया मैंने वैसे कर दिया है। आई होप यू ऑल लाइक इट। वंस अगेन हैप्पी सरस्वती पूजा, सबका बहुत अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी ब्रेव एंड बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान सबका अच्छा करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। और एक चीज़, मेरी दीदी जब मेरे साथ रहती थी तो वो हमेशा ना ऐसे पूजा करने से पहले कभी कुछ नहीं खाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि लाइक पुष्पांजलि देने से पहले खाते नहीं है, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। अभी बज गए हैं 12:30, आई गेस 12:30 होने वाले हैं। मेरे को लेट हो गया एक्चुअली, क्योंकि सुबह उठी, ब्रेकफास्ट बनाया, भगवान की पूजा की, बाकी इधर प्रिपरेशन की, वो सब करते करते बहुत लेट हो गया। नो बट या अभी मेरे को जल्दी से कुछ खाना है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है एंड लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। सो या चलते हैं करते हैं। आई फॉरगॉट टू गिव यू प्रसाद, सबको मेरी तरफ से प्रसाद है, खा लो। वाव, सुकून मिल रहा है, कुछ नहीं खाया तो ये बहुत अच्छा लगा है। ये मिठाई है एवरीवन। So guys, that was it for today's vlog. I hope you enjoyed the video and if yes, then please do like, share and subscribe to my channel. And yeah, don't forget to hit the bell icon. And मेरे जब भी videos आएंगे आप लोग please देखना. And yeah, share करो जितने ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हो. So yeah, meet you in the next vlog. Till then, bye and take care.